अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम साइमा नसरुल्ला, योर मैथ्स टीचर। क्लास सिक्स से सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का। वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर टू, डैट इज़ होल नंबर्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड सम टॉपिक, डैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। टुडे वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दिस वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट दीज प्रॉपर्टीज एंड आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है, यूज़ द ऑर्डर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट, इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वी हैव डिस्कस टू पॉइंट्स, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। इन दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन, मीन्स के वी हैव टू सॉल्व कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नंबर वन क्वेश्चन है, 85 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई डैश। मीन्स कि उन्होंने बोला है कि अगर हमने एक साइड पे 85 को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी साइड पे अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो हम उसे किस डिजिट के साथ करेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर। क्वेश्चन नंबर टू है, 832 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, अगर हम 832 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी साइड पे 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि सेम आंसर आ जाए। नेक्स्ट है, 375 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 375। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट पॉइंट विल बी डैश इज मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 310। नाउ वी विल डिस्कस इट, 85 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे हम उसकी जगह चेंज कर देंगे, बट 85 को अगेन हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। इन दिस कंडीशन वी विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 832 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आए। सो हम क्या करेंगे, 832 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो ब्लैंक में 832 आएगा। स्टूडेंट्स, जो मैंने ब्लैंक्स आपको दी थी वहां पर मैंने कलर्ड से उनके आंसर्स राइट कर लिए हैं, आपको उसको फाइंड आउट करना आसान होगा। नेक्स्ट है, 375 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे डिजिट के साथ और दूसरी साइड पे 14 मल्टीप्लाई 375 है तो हम 14 के साथ करेंगे, सेम इन्हें ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। रिमेंबर इट स्टूडेंट्स, ये जस्ट इनकी प्लेस चेंज करनी थी हमने उन्हें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर उनका क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो कैसे, मींस कि अगर हम किसी भी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने राइट किया है, 45 को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा क्या आता है, ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन भी आंसर 0 आएगा, यहाँ तक कि अगर हम 0 को 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उस सूरत में भी 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 1। मींस कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, तो उसका मतलब है इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है कि जो नंबर है जिसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है वो खुद नंबर जो है वो उसका आंसर आएगा। इसकी भी एग्जांपल लें कि अगर हम 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 32। सेम इसी तरह हम अपनी अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि अगर हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक, नंबर मल्टीप्लाई 0, नंबर को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। नंबर 2 पे है, 54 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 54,000 आंसर आ जाए। नेक्स्ट है, नंबर मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू नंबर, नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर जो है अगेन हमें मिले। नेक्स्ट है, 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5। सो स्टूडेंट लुक एट हेयर, अगर 8 और 5 है तो थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा है वो हमने राइट करना है। 7 को अगर हम किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरी साइड पे भी
आंसर वही आया। नेक्स्ट है 5 × 6 × 12। सो हमने दूसरी साइड पे 12 के साथ किस किस को मल्टीप्लाई करना है, सेम डिजिट्स को, 6 और 5 को। नाउ वी विल सी द आंसर्स, लुक एट हेयर, नंबर मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स के अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। नेक्स्ट था 54 को किस डिजिट के साथ अब मल्टीप्लाई करें कि 5400 आंसर आ जाए। सो स्टूडेंट 54 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5400 आंसर आता है। नेक्स्ट है नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर इटसेल्फ आए, तो हम क्या करेंगे 1 को, क्योंकि जब 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो वही नंबर तब आता है। 8 को मल्टीप्लाई किया 5 × 7 से। सो स्टूडेंट्स लुक एट हेयर, देर आर 3 नंबर्स 8, 5, 7। अगर हमने 8 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर कौन सा आएगा, 7। नेक्स्ट है 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है दूसरी साइड पे 9 और 7 है, सो यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा है, 9। सो 5 × 6 × 12 इज इक्वल टू 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देर आर 3 नंबर 6 और 5, सो हम यहाँ पर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट इन दिस वे यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा न्यू टॉपिक है। इन दिस प्रॉपर्टी यू विल सी देर आर मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे कि मतलब के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन को कैसे हम ऐड करके सॉल्व करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज लाइक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। You can subtract the number and then multiply, or you can multiply and then subtract as shown below. This is called distributive the multiply. Means के distributive property में multiplication over subtraction क्या है कि अगर हम two numbers को आपस में multiply करते हैं जबकि दूसरी side पर दो numbers हैं जिनको आपस में addition या subtraction करेंगे और उसके बाद उसको अगेन किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में भी हमारा नंबर जो है वो दूसरी साइड पे जो नंबर है उसके जैसा ही आएगा। सो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल फ्रॉम देयर। लुक एट द एग्जांपल ऑफ 8 × 10 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 7 + 3 है। सो स्टूडेंट्स जब 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 के साथ तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 80। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें 8 को मल्टीप्लाई करें 7 में 3 को प्लस करें क्या आता है, 10। 10 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 80। सो स्टूडेंट इन दिस फॉर्म वी विल गेट द सेम आंसर। और हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 8 × 7 + 8 × 3 मीन्स के 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में जब हमने प्लस किया तो आंसर फिर क्या आएगा, 80। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो स्टूडेंट्स इट इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड द सम ऑफ टू होल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ फर्स्ट होल नंबर ईच ऑफ द अदर टू होल नंबर। मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर यानी कि टू होल नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद टू होल नंबर्स को जब आपस में प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद उसको अगेन किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो सेम वैसे ही आएगा जो पहले प्रोडक्ट से आएगा। सेम अगर हम आगे देखें सिमिलरली यूजिंग द सेम पीस ऑफ ग्राफ। सो स्टूडेंट लुक एट हेयर, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 24। बट अब अगर हम दूसरी साइड पे रखें 8 × 10 सो क्या आंसर आया, 80। 80 में से माइनस कर दे 56 को तो क्या आंसर आता है, 24। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दिस प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू इज यूज्ड डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन। सो लुक एट हेयर अनदर एग्जाम्पल, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, मीन्स के ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है देन उसमें प्लस करना है ए को सी से, मीन्स के हमने ए को दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और आफ्टर डैट वी विल
plus them, means ke sum them. So in this, this is also our distributive property of multiplication over addition. Look at here, there is a 3 multiply 7 plus 4. So answer kya aata hai? 11, 11 ko 3 se multiply kare to answer 33 aata hai. Agar hum dusri side pe dekhe, 3 ko 7 se multiply kare aur 3 ko 4 se multiply kare. So students, uske baad agar hum un dono digits ko aapas mein plus karte hain to answer 33 hi aata hai. So it is also distributive property of multiplication over addition. Look at here, distribution property of subtraction. If we multiply 3 multiply 5, then 3 multiply 6. 5 ko 3 se multiply kare to answer aata hai 15, aur 3 ko 6 se 2 se multiply kare to answer 6 aata hai. 15 mein se agar hum 6 ko minus karte hain to hamare paas answer jo aata hai 6 aayega. Look at other example. 2 bracket mein hai 4 plus 3. हम इसको टू वे में कर सकते हैं. कैसे? फोर में अगर हम थ्री प्लस करें तो आंसर आता है सेवन. सेवन को टू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फोर्टीन आता है. जबकि अगर हम टू को पहले फोर से मल्टीप्लाई करें और देन टू को ही फोर थ्री से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद दोनों को प्लस करें तो उस कंडीशन में भी आंसर जो है वो 14 ही आता है. द टू आउटसाइड द ब्रैकेट इज़ मल्टीप्लाइड ओवर एवरी थिंग डैट इज़ इन साइड द ब्रैकेट्स. So students, in this way we can find distributive property of multiplication over addition and subtraction. Okay students, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी. आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है. Okay, take care, अल्लाह हाफिज़.